हेलो गाइस साइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंचीज वर्नियर कैलिपर में इंचीज की जो रीडिंग होती है, इंचीज में हम वर्नियर कैलिपर को कैसे रीड करते हैं, कैसे रीडिंग्स को पढ़ते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वर्नियर के पार्ट्स नेम इन सभी पर मैं पहले भी ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं, उनका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, तो आप उन वीडियो को भी वहां से देख सकते हैं। और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से अगर आप हमें नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन, तो आप उनको भी वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है, मैं वहां पर भी शेयर करता रहता हूं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देखें इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो इस वर्नियर कैलिपर में आपने देखा है कि देखिए मैं पार्ट्स नाम इसके लीस्ट काउंट इन सभी पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम उन पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे हम इसकी इंचीज की जो रीडिंग है उस रीडिंग को देखेंगे और उसको हम किस तरह से रीड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। आप देखिए जो मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये हमारी है मीट्रिक वाली, जो इसका मेन स्केल है। ये मेन स्केल में यहाँ पर नीचे होती है हमारी जो mm की रीडिंग है। ऊपर देखेंगे ये जो रीडिंग है हमारी ऊपर वाली रीडिंग जो है ये इंचेज की रीडिंग है, नीचे ये mm की रीडिंग है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे, जो हमारी ये ऊपर इंचेज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग को अगर हमें कोई वैल्यू इंचेज में अगर मेजर करनी है तो किस तरह से मेजर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके लिए समझना होगा, तो इसमें जैसे नीचे इसमें ये मेन स्केल है, इसी तरह से ये मेन स्केल है और ये वाला हमारा इसका वर्नियर स्केल है, इसमें ऊपर भी ये वर्नियर स्केल है। सेम इसमें देखिए वर्नियर इसमें हमारा 50 लाइंस हैं, इसमें 50 डिविजन्स हैं और ऊपर हमारी ये 25 डिविजन्स हैं। इसका लीस्ट काउंट की बात करें तो जिन चीज़ में जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंच, और जैसा कि मीट्रिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.002 mm। इसके बाद अब हम अगर हमें ये सीखना है तो उससे पहले हमें इसके मेन स्केल की जो वैल्यू है इनको हमें समझना होगा अच्छे से, उसके बाद ही हम रीडिंग को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जीरो है हमारा, ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि ये जो जीरो है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ इसको जिससे आपको इजली दिखाई दे। देखिए ये जीरो है यहाँ से हमारी, ये जीरो से और यहाँ तक हमारा ये देखिए आप, ये एक इंच होता है, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो एक इंच है इस जगह तक, और यहाँ से यहाँ तक एक इंच, और एक इंच में देखेंगे यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक आके 1, यानी 10 लाइंस हमने इसमें डिवाइड, 10 पार्ट्स में इसको एक इंच को डिवाइड किया हुआ है। अब इसकी जो इसके अंदर भी हमने ये जो 1 पार्ट है इसमें भी हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इंचेस की जो रीडिंग है, इस रीडिंग को समझने से पहले हमें इसकी जो वैल्यू है उसको समझना होगा। तो मैं आपको एक नोटबुक में मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर अभी आपने देखा ये 0 से यहाँ तक इसमें 1 इंच है, यहाँ तक ये हमारा 1 इंच हो गया, जैसा कि सेम इसमें दिखाया गया है कि 1 इंच। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने देखा ये जो 1 यहाँ तक की जो वैल्यू है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद ये, तो ये जो वैल्यू है अगर हम बात करें यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इसका, ये जो डिस्टेंस होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 0.1 इंच यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस बनता है इसमें हमारा ये हाफ इंच हो जाएगा हमारा, हाफ इंच, जैसे कि हम 0.5 इंच बोल सकते हैं, 0.5 इंच। इसके बाद सेम अगर ये पूरा डिस्टेंस रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा 1 इंच बन जाएगा, और हर इसके बाद देखिए यहाँ तक हमने 0.1 समझ लिया है, हर इसकी हर इसमें इसको हमने ये 0.1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2, 3 एंड 4, और एक हर पार्ट्स की मैं अगर वैल्यू की बात करें, जैसे इस यहाँ से यहाँ तक का जो एक पार्ट है ये इसके यानी मेन स्केल की इस एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो, जैसे अगर ये 0.1 है, 0.1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.025 इंच। तो इस तरह के ये सारे पार्ट्स हमने इसमें सभी में इस तरह से ये
चार पार्ट्स को डिवाइड किया है, यानी 0.1 जो इंच है, 0.1 इंच को भी हमने वर्नियर पर चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें दिखाता हूँ। अब देखेंगे प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं इसमें, यहाँ से देखिए 0 से 1 ये हमारा 0.1 इंच हो गया, और इसमें ये जो लाइंस हैं ये देखेंगे आप ध्यान से देखें तो इसमें ये चार लाइन है 0.1 में, और ये चार लाइन की जो वैल्यू है, एक लाइन की वैल्यू है 0.025 इंच। इसी तरह से ये हमारी पूरी वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर आप ये पूरी वैल्यू समझ लेंगे उसके बाद आप इजीली रीडिंग्स को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 0 से 25 ऊपर से है रीडिंग, और 0 से 25 तक की ये डिवीजन्स कटी हुई हैं जो हमारा वर्नियर स्केल है। इसकी हर डिवीज़न की हम इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम कोई भी एक रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो रीडिंग है हमारी वो कितनी रीडिंग आएगी। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज दैट इस वर्नियर को हम एक रीडिंग पे फिक्स कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर अब इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद अब हम इस रीडिंग को फाइंड करते हैं कि इसमें रीडिंग में कितना रीडिंग बनेगी हमारी। तो पहले देखेंगे हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 देखिए ये जो हमारा 0.5 तक हमारा ये खुल गया है, जो इंच है यानी 0.500 आधा इंच तो ये हमारा यहाँ से ओपन हो चुका है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, आधा इंच यहाँ पर नोट कर लेते हैं कॉपी में, 0.500 इंच हो गया। उसके बाद इसमें देखेंगे आगे हम 0.5 से 0.6 तक जाने के लिए इसने हमारी 3 डिवीजन्स और क्रॉस कर दिए है, और एक डिवीज़न की वैल्यू मैंने आपको बताई थी इसमें, जो एक डिवीज़न है उसकी वैल्यू है 0.025। तो 3 डिवीजन्स अगर इसने क्रॉस कर दिए हैं, 4th डिवीज़न तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 3 डिवीजन्स की वैल्यू हो जाएगी 0.75 इंच, राइट। इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें से हमारा जो वर्नियर, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 ये जो लाइन है इसमें इसके बीच में है, तो ऊपर से देखना होगा हमें सेम, जैसे हम वर्नियर स्केल मैच करते हैं तो कौन सी लाइन हमारी एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो ये हमारी जो देखेंगे आप 10वीं लाइन हमारी ये एग्जैक्ट, ये वाली लाइन जो है हमारी जो वर्नियर स्केल की 10th डिवीज़न एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो 10th डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट से 0.001 से, तो जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 0.010। ये हमारी इसकी डिवाइड करने पे जो हमारा ये वर्नियर की उसकी रीडिंग आ जाएगी। फिर आप देखिए इसी रीडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी रीडिंग आ गई थी मेन स्केल की, मेन स्केल की हो गई ये। कैलकुलेट करके दोनों को अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें तो देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5.585 इंच। तो ये जो हमारी इंचज की रीडिंग निकल के आ गई इसमें, देखिए अब मैं एक बार दोबारा से दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 0.5 हो गया, और उसके बाद 3 लाइंस और आगे बढ़ी हैं इसमें से, आगे और एक्स्ट्रा हमारी खुल गई है इसमें वर्नियर के, वर्नियर मेन स्केल पर। तो उन 3 लाइंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये 0.500 और 0.075 जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई वो 5.75 यानी 0.575 इंच। ये हमारी 0.75 इंच तक की जो रीडिंग है वो हमारी यहाँ इस लाइन तक हो गई हमारी। अब इसके बाद हमारी ये इस लाइन से भी आगे थोड़ा सा क्रॉस की है, तो उसके लिए हमने क्या किया, वर्नियर स्केल पे देखा, तो 10th लाइन मैच की है, तो 10th लाइन को हम क्या उसके मल्टीप्लाई किया उसके लीस्ट काउंट से, तो आ जाएगा हमारा 0.010, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 5.585 इंच। इस तरह से हमारी जो इसकी रीडिंग निकल के आएगी। सेम इसी तरह से अगर आपको 1 इंच से ज़्यादा की कोई रीडिंग है तो उसको भी हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करेंगे और आगे जैसे यहाँ से जब अभी हमारा पॉइंट से पहले 1 इंच हो गया, 1 इंच के बाद सेम वही चीज़, वही जो वैल्यू मैंने अभी आपको पहले बताई है कि यहाँ तक की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 और एक लाइन की वैल्यू को है 0.025, सेम इसी तरह से करेंगे, और ऊपर से जो वर्नियर स्केल है उसको जितनी भी डिवीजन मैच करेगी उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, और वो जो हमारा जो रीडिंग का फार्मूला है
उस फार्मूले को यूज करके मेन स्केल की रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल की डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करके हम अपनी रीडिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज की इस वीडियो में, इंचीज में जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उससे हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं। आप सबसे पहले मैंने जो आपको अभी लाइन में बताई थी, आप एक एक डिवीजन की वैल्यू समझ लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है इंचीज में, तो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, उसके बाद आप इजिली से इंचीज की रीडिंग भी निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।